सोया बड़ी, सोया चंक्स, पोटैटो फ्यूजन स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल सोया बड़ी ले रही हूँ। बाउल में इसमें मैं सोया बड़ी डालने के बाद मैं सोया बड़ी को मैं गर्म पानी में भिगा के 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी। अब ये 10 मिनट हो गए हैं, सोया बड़ी देखिए इस तरह सॉफ्ट सी बिल्कुल फूल गई है। अब इसका मैं पानी निकाल के, पानी इस तरह निचोड़ के एक बर्तन में निकाल लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, इस तरह दबा के ये पानी को मैंने इस तरह सारे निकाल लिए हैं। अब मैं एक बाउल में ले रही हूँ इसको। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप इसको डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, आप चाहे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच दही। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब एक आलू मैं लेके, कच्चे आलू को मैं इस तरह छील लूँगी। अब इसकी चिप्स की स्लाइड्स काट लूँगी इस आलू को। ये आलू की मैंने स्लाइड्स काट ली है। अब इस पर मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए इस आलू की स्लाइड्स पे कॉर्नफ्लोर अच्छे से चिपक गया है, मैंने कोई पानी नहीं यूज़ किया है, आलू की नमी से ही ये कॉर्नफ्लोर इस तरह आ गया। अब इसे मैं रख रही हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा टूथपिक ले रही हूँ, इसमें मैं पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दे रही हूँ। ये आलू में मैंने कॉर्नफ्लोर और हल्का सा नमक लगा कर रखा था, अब इस तरह मैं ले रही हूँ। देखिए जिधर की साइड में ज़्यादा कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है, अगर आपको कॉर्नफ्लोर मैंने 3 चम्मच दिखाया है, आप कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं। देखिए कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है, मैं इसको बाहर साइड में रखती हूँ। और इसके अंदर मसाला लगा सोया बड़ी यानी सोया चंक्स, और इसको मैं इस तरह कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद इस तरह टूथपिक से कवर करूँगी। ये इसी तरह मैं सारा बना लूँगी। मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई में ऑयल रखा है आपकी पसंद, आप कोई भी कुकिंग ऑयल रख सकते हैं। अब ये गर्म होने तक मैं करीब 2 मिनट में वेट करती हूँ। अब ये कढ़ाई का ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसको अभी तो लो फ्लेम पे डाल रही हूँ। फ्लेम मुझे कभी लो और कभी मीडियम करना है। अब ये गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो गया, मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। कुछ को इस तरह, ये आलू लिया है, आलू की पीस को इस तरह लगा रही हूँ। ये अलग अलग तरह का कई डिजाइन से आप बना सकते हैं इस तरह। वाओ, बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी है। आप इसे बनाइए और क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स खाइए। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। थैंक यू।